नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ भटला हाउस एनकाउंटर की 14वीं वर्षी के मौके पर एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष युद्ध विंग लोहदा ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गृहमंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार की किरकिरी होने से बचाने व मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाने की नियत से साजिश रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के भटला हाउस में मुठभेड़ के दौरान दो बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ और साजिद के साथ एक जवान पुलिस इंस्पेक्टर की मौत घर उतार दिया गया था और अनेक मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। इस एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरदार विरोध प्रदर्शाया गया था और मांग की कि जो आज भी जारी है, इस कांड की न्यायिक जांच कराई जाए। न सिर्फ मुसलमानों अपितु मुल्क की हर न्याय प्रिय नागरिकता सहमति मिली और हर दिशा में दिशा से न्यायिक जांच के लिए आवाज उठने लगी, लेकिन यूपीए की वर्तमान केंद्र सरकार ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच न कराकर लोकतंत्र का गला घोट दिया। आगे उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस सरकार ने अपनी कानूनी कर्तव्यों का भी पालन सही से नहीं किया, जबकि सीआरपी की धारा 176 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुलिस टकराव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उस घटना की मजिस्ट्रेट जाँच करवाना अनिवार्य है। आज बटला हाउस की 14वीं वर्षी है। हम लोग पहले दिन से 2008 में जो बटला हाउस इनकाउंटर में यहाँ के आतिफ और साजिद को इनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया, कांग्रेस सरकार से हम बार बार डिमांड करते रहे कि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार ये कह रही थी कि अगर हम जाँच करा देंगे तो हमारे पुलिस वालों का मनोबल गिर जाएगा। और हमने बीजेपी से भी कहा कि हमारी दोस्ती में ना सही तो कम से कम कांग्रेस की दुश्मनी में सही, बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दीजिए। हमने स्पेशल ट्रेन बुक करके ले जा करके दिल्ली के जंतर मंतर पे मुजाहरा किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक हमारी मांगों को नहीं मानी गई। जब तक बटला हाउस की न्यायिक जाँच नहीं हो जाती है तब तक जो है हम इसी तरह से आंदोलित रहेंगे।